सहनौ भुनों सह वी कर्वा वह तेजस्विनाव तमस्त मिषा ओ शांति ही शांति ही वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है ऋग्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और पहला ही मंत्र जिसमें उस परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का जो सुमिरन हम करते हैं और अग्नि स्वरूप जो है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का चलाने वाला है सबको गति देने वाला है उस अग्नि जो अग्रणी भवती जो स्वयं आगे रह करके हम सबको इस संसार को चलाने वाला है उसकी हम स्तुति करें आगे गतौ गति जान गमन प्राप्ति जो हमको जान भी देता है जान की प्राप्ति कराता है तथा लक्ष्य की प्राप्ति कराता है हमको गति और प्रगति की ओर हमारी मति करता है जो दुर्मति दुर्गति से बचाने वाला है वो कौन है वह परमात्मा है जो सदगति सन्मति के साथ जीवन यापन करने की विद्या हमको प्रदान करता है इस वेद विद्या को जान करके समझ करके निश्चित रूप से इसका हम कल्याण करें इस जगत का भी कल्याण करें और अपने जीवन का भी कल्याण कर सकें तो पहले मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे ओम अग्निमीड़े पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम होता रत्न धातम अग्निमीड़े पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्जम हो तारम रत्न धातम वह अग्निस्वरूप परमात्मा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक छोटे से कण से लेकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड का चलाने वाला उसमें गति प्रदान करने वाला है क्योंकि सारा गतिमान है संसार क्या है गतिमान है गति युक्त है एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं है बहुत तेजी से परिवर्तन प्राप्त है जैसे ईशो प्रतिषद का पहला मंत्र आपने पढ़ा है क्या है ईशा सर्वम जगत्याम जगत त्याम जगत तेन न भुंजी था कस्ते तो वहां का तेन, तेन त्याग त्यागपूर्वक उपभोग करना क्यों क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है कोई ये समझे कि ये मेरा सारा साम्राज्य है मेरा धन और मेरा ये सारा संपत्ति है तो वो कितने दिन उसका उपभोग कर सकता है अन्याय उपार्जितम धनम दस वर्षाणी केवल दस वर्ष तक चलेगा अन्याय सुपार्जित, इसलिए वेदों तेन त्यक्तें पुंजी था त्याग पूर्वक उपभोग की भावना से इस बात को कहा क्योंकि वह जो परमात्मा कणकड़ में समाया है वही सबको गति दे रहा है और गति यदि हमने नहीं की उसकी गति के द्वारा हमने अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया तो हमारी मति भ्रष्ट हो जाएगी और बहुत बड़ी हमको क्षति उठानी पड़ेगी सद्मी से सदगति है दुर्मति से दुर्गति है बहुत बड़ी क्षति है हानि होने वाली है अतः उस परमात्मा के लिए स्तुति की बात की कि ईडे मैं उसको उसकी स्तुति करता हूँ उपासना करता हूँ क्योंकि वही सारे संसार में विद्यमान है कणकण में समाया हुआ है सब जगह वह विद्यमान होकर के इस सृष्टि को चला रहा है वह स्वयं आया हुआ है स्वयं उत्पन्न हुआ हुआ है किसी ने उसको उत्पन्न नहीं किया और ना कोई कर सकता है यज्ञ देव मृत्युजम वो प्रभु अपनी वेदवाणी से यज्ञों का प्रकाश करने वाला है हमारे सब कर्तव्यों का प्रभु ने वेद में प्रतिपादन किया है यज्ञ क्या है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म एक तो अग्निहोत्र हमने बहुत चर्चा इस पर की है लेकिन जो भी संसार में श्रेष्ठ कर्म है उन सब का का दान, का जो हम करते हैं उन सबका दान देने वाला उन सबका जान देने वाला कौन है परमात्मा है इसलिए कहा यज्ञ देव मृत्युजम यज्ञ देवम वे प्रभु अपनी वेदवाणी से सारे यज्ञों को अर्थात श्रेष्ठ कर्मों को संपादित करने का सामर्थ्य देने वाले हैं वही इसका सामर्थ्य देते हैं इसलिए उस ईश्वर का हम गुणगान करें और बहुत सुंदर बात कही सारे संसार का जो नाता है कभी ना कभी टूट जाता है संसार गतिशील है बहुत तेजी से भाग रहा है छोटे से जो है पदार्थ से लेकर के बड़े से पहाड़ तक अणु से लेकर के पहाड़ तक छोटे से अणु से लेकर के पहाड़ तिल से ताड़ तक अणु से पहाड़ तक सब उसी का बनाया हुआ है और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है इसलिए उससे नाता जोड़िए इस संसार से संसार से तो नाता जोड़ नहीं सकते जब तक रहेंगे इन्हीं के बीच में रहना पड़ेगा लेकिन जो आकर्षण है जो अटैचमेंट है उसको डिटैचमेंट में बदलिए पूर्ण प्रवृत्ति में पूर्ण निवृत्ति हो परमपु स्वामी महाराज बोलते हैं ना पूर्ण प्रवृत्ति है लेकिन अंदर से पूर्ण निवृत्ति आसक्ति नहीं है कर्तव्य की भावना से कर्म करें तो यहां ईश्वर की स्तुति कर रहे क्योंकि सारे कल्याणकारी कर्मों के संपादन में उसकी सहायता परम आवश्यक है इसलिए उससे नाता जोड़िए उससे नाता तो कहा ईश्वर से सङ्ग् से जोड विषयों से मुख मोड मानव विषयों से मुख मोड प्रातः सायं संध्या कर ले प्रातः सायं संध्या कर ले वेद जान जीवन में भर ले शुभ कर्मों को न छोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ जिससे मानव पाप कमाता जन्म मरण आता उस बाधक को तोड़ मानव ईश्वर संग जोड़ ईश्वर से संग जोड़ मानव से मुख मोड केवल धन संचय में रहना विषय भोग सागर में बहना यह अंधों की दौड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ बिन ईश्वर के जाने माने दूध और पानी के नछा वृथायत्न करोड मानव ईश्वर से संग जोड़ विषयों से मुख मोड मानव विषयों से मुख मोड़ अविद्या का नाश किया कर सदा ईश संग वास किया कर छोड़ जगत की होड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ उद्यम कर ले छोड़ उदासी उद्यम कर ले छोड़ उदासी जन्म जन्म की पाप की राशि पाप कलश को फोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ क्यों फिरता है मारा मारा ईश्वर काले पकड़ सहारा क्यों फिरता है मारा मारा ईश्वर काले पकड़ सहारा है एक निचोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ अब भी जो तू चेत न पाया कुछ लोग बार बार सुनते हैं फिर भी चेत में नहीं आते होश में नहीं आते हैं अब भी जो तू चेत न पाया तो फिर तुझको ये जग माया देगी तोड़ मरोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से संग जोड़ मानव विषयों से मोड़ तो उस परमात्मा की स्तुति करने से ईट स्तुत के अर्थ में यहाँ ईट धातु का प्रयोग किया है हम सब मिलकर के उस परमात्मा की स्तुति करें प्रार्थना उपासना करें जिससे वह हमको यज्ञ कर्मों में लगा दे यज्ञ देव मृत्युजम क्योंकि वह समस्त शुभ कर्मों का प्रदान करने वाला है शुभ कर्मों में प्रेरणा देने वाला है इसलिए यज्जस् देव मृत्युजम तथा एवं बहुविधा यज्ञाविधता ब्राह्मण ब्राह्मणों मुखे गीता में भी कहा है और वो ऋतुजम ऋतऊ ऋतु यजनीयम समय समय पर प्रत्येक ऋतु में वे प्रभु पूजा के योग्य हैं उस प्रभु का ही हमें उपासना उसकी करनी चाहिए उसकी स्तुति करनी चाहिए उसके पूजन से उसकी शक्ति का प्रवाह हमें होता है तथा जप करने से जो है अलग अलग जो हमारे मन की जो प्रवृत्तियां हैं जो इस संसार में भागती रहती हैं वो शमन को प्राप्त होती हैं आजीविकोपार्जन के कार्यों की समाप्ति पर स्वाध्याय श्रांत होकर के प्रभु का जो है जप करना चाहिए अपने कर्तव्यों को छोड़ने की बात नहीं कही है सारे जो कर्तव्य उनको करना है कोई नौकरी कर रहा है कोई जो है कृषक है खेती कर रहा है कोई सीमा पर अपना कर्तव्य निभा रहा है विद्यार्थी स्वाध्याय कर रहा है तो सारे कर्तव्यों को करते करते माता घर का कार्य कर रही है गृहिणी भोजन पका रही है बच्चों का पालन पोषण कर रही है सारे कार्यों को करते करते जब भी थोड़ा सा अवकाश मिले उस परमात्मा का चिंतन करें उसका गुणगान करें उसका ध्यान करें ध्यान में ही सारा समाधान मिलता है लोगों को इतनी जल्दी है एक क्षण का भी समय क्या करें चाहते तो हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते क्यों मन नहीं लगता समय नहीं है एक दिन ऐसा समय आएगा कि सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा समय नहीं लोगों का सामान सौ बरस का है पल की खबर नहीं वर्तमान में हम जीना सीखें अभी इसी क्षण हम दिव्यता से परिपूर्ण होंगे अगला क्षण आए ना आए कोई भरोसा नहीं है इसलिए श्वासों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहां पर प्रभु का तू नाम जप ले यही आसरा यहां पर कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले इतना यदि कर्म करें तो विशेष जीवन हमारा बनेगा तो उस ईश्वर का जो है हम चिंतन करें उसका जाप करें चाहे गाढ़ निद्रा में भी हो, तो भी एक गलत स्वप्न हमारे अंदर नहीं आना चाहिए जपस तदर्थ भावनम उसके गुणकर्म स्वभाव का भी चिंतन करें और जाप भी करते रहें दिन में दुनिया के कार्यों से अवकाश ना मिले तो रात्रि में सोने से पहले उसका चिंतन करें सो करके के उठे उसको धन्यवाद करें कि प्रभु तूने एक दिन का जीवन और दे दिया आज जब हम उठते हैं उसका धन्यवाद करें रात्रि तो बीत गई अर्थात एक मृत्यु बीत गई एक नया जीवन आ गया सामने तेरा धन्यवाद है और इस जीवन को मैं अच्छी प्रकार से जी पाऊं दिव्यता से जी पाऊँ एक क्षण का प्रमाद मेरे अंदर ना आए ऐसी प्रार्थना करना तब उस ईश्वर का चिंतन करें और सोते समय भी उसका जाप करें और जाप करते करते उसकी गोद में जैसे माँ की गोद में बच्चा आकर के बहुत आनंद के साथ सो जाता है उसको कोई भय नहीं होता है निश्चिंत तो हो जाता है निर्द्वंद तो हो जाता है क्या मैं मां की गोद में हूं संसार की कोई भी ताकत मुझको दुखी नहीं कर सकती कोई भय नहीं है ऐसे जब हम सोए तो लगता है परमात्मा की गोद में हम सोने जा रहे हैं अब किस बात का भय ये भाव आना चाहिए लोग क्या करते हैं ऐसे खुराफात के चित्र देख करके दृश्य देख करके ऐसे भद्दे दृश्य देखते हैं मोबाइल चलाते चलाते कान में लीड डाल दिए सो गए ऐसे गंदे गंदे विचार कान में जा रहे हैं सो गए तो जब मरेंगे तो वैसे जन्म लेंगे वैसे गंदे विचार आएंगे इसलिए हमारी जो संस्कृति है उसमें मंत्र के साथ सारी दिनचर्या का निर्देशन है तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु आप जब सोते हैं तो शिव संकल्प के साथ सोते हैं शिव संकल्प का मतलब क्या है कल्याणकारी विचारों के साथ शहन करते हैं अतः यहां पर यही बात है कि हम उसकी रितो ऋतौ यहां कहा ना ऋतविजम हर क्षण हर पल जब भी अपने कर्तव्य से थोड़ा सा समय मिले उस समय आप उसका भजन करें उसका गुणगान करें इससे शक्ति बढ़ेगी सामर्थ्य बढ़ेगा आत्मविश्वास बढ़ेगा और संसार का रोग भोग सब हम सहन कर लेंगे रोग आएगा हम मसल करके रख देंगे छोटी छोटी बातों में लोगों का हृदयाघात हो जाता है प्रसन्नता में भी और गम में भी और लोग काल के गाल में समा जाते हैं असमय तो सारी रात्रि उस प्रभु के संपर्क में रहना अच्छे अच्छे स्वप्न आएंगे पहले तो आए ही नहीं आए तो अच्छे स्वप्न आए इसलिए कहा स्वप्न में भी एक बार गलत विचार ना आना चाहिए हो तारम हो दाना दान यो हो वे प्रभु सब कुछ देने वाले हैं सब कुछ वही देता है प्रलय के समय सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर लेने लेने वाले भी हैं सब कुछ वही देता है और इतना देता है इतना देता है कि हमारा उतना सामर्थ्य होता नहीं है हमारी सामर्थ्य से वो बहुत अधिक देता है लेकिन लोग पहचान नहीं पाते उसको भिखारी बने रहते ये नहीं दिया वो नहीं दिया शिकायतें करते रहते हैं अजानता के कारण ये नहीं मिला वो नहीं मुझको गोरा शरीर नहीं दिया काला काला शरीर दे दिया वो तो कितना गोरा है कितनी गोरी है अरे और थोड़ा सा एक फिट और लंबा कर देता सब नाटा नाटा चिल्लाते हैं बंटा बंटा चिल्लाते हैं थोड़ा सा और लंबा करता पता नहीं ईश्वर ने मेरे साथ क्यों ऐसा पक्षपात किया मेरे दांत अच्छे नहीं हैं मेरी जो है आवाज़ अच्छी नहीं है मेरा चेहरा अच्छा नहीं है क्या क्या लोग बोलते रहते हैं जबकि वो हमारी योग्यता हमारे कर्मों को देखते हुए अच्छा ही देता है जो करता है वो हमारे लिए अच्छा ही करता है लेकिन वरे मनुष्य ये इतना जो है स्वार्थी है कि कुछ ना कुछ बोलेगा अस्तु आगे चलते हैं कह रहे हैं कि प्रभु ने हमारे हित के लिए होतारम हमारे हित के लिए सब आवश्यक पदार्थ हमें प्राप्त कराए हैं संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है नावश्यक नहीं है सब कुछ आवश्यक है एक एक रोम हमारा जो है यह भी विशेष बनाया है ये ऐसे नहीं बना दिया निरर्थक नहीं है छोटा सा कोई कीड़ा है या छोटा सा कोई वनस्पति है पादप है पौधा है तो वो भी परमात्मा ने विशेष प्रयोजन से बनाया है कुछ भी निरर्थक नहीं है रत्न धात्म बहुत सुंदर बात कही रत्न धात्मम रत्न धातम की रमणीय वस्तुओं के धारण करने वालों में वे सर्वोत्तम हैं प्रभु ने शरीरों के अंदर इस प्रकार व्यवस्था की है कि खाए हुए सभी अन्न जो हम खाते हैं रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा वीर्य इन सात धातुओं में सारा अन्न परिवर्तित हो जाता है होता है कि नहीं होता है ऐसी कोई मशीन बनाई क्या किसी ने आज तक मेरी जानकारी में तो नहीं आपकी जानकारी में है क्या ऐसी कोई मशीन बनाई हो उसमें जो है रसगुल्ले डालो फल डालो फूल डालो अन्न चावल रोटी दाल सब डालो और उससे रक्त बन जाए है कोई ऐसी मशीन आज तक बनाई क्या किसी वैज्ञानिक ने बनाई क्या लेकिन परमात्मा ने बना रखी है क्या क्या हम खाते हैं और इतनी यदि फैक्ट्री अगर ऐसी लगाई जाए तो सबका प्रोसेस अलग अलग होगा और बड़ी बड़ी लंबी फैक्ट्री हो जाएगी कि ये पहले रस बनाएगी ये फैक्ट्री उसकी लंबी इकाई किलोमीटर में फिर ये जो है रक्त बनाएगी ये मेद बनाएगी ये जो है अस्थि बनाएगी मज्जा बनाएगी वीर बनाएगी सबकी कितने किलोमीटर में ये फैक्ट्री बने लेकिन परमात्मा ने इसी छोटे से कंगाल में इस छोटे से घर में छोटे से शरीर में इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा दी कि ऊपर से डालते कुछ हैं और बन जाता कुछ है निकलता कुछ है अपशिष्ट आ भावना आती है हाँ तो ऐसा कोई यंत्र परमात्मा ने फिट कर रखा है कि इससे हम गा भी लेते हैं डांट भी देते हैं क्रोध भी आता है रो भी लेते हैं और पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ निकाल देते हैं कैसा सिस्टम उस जो है परमात्मा ने दिया है बनाया है तो वो संपूर्ण जितना ये संसार है उस सब कुछ धारण करने वाला है रत्न सारे रत्नों का धारण करने वाला है और हमारे अंदर भी सात रत्नों का धारण कराता है ये रत्न ही है आप कल्पना करिए अगर आप भोजन कर रहे हैं और रस नहीं बन रहा रस नहीं बन रहा है तो भोजन करने से क्या लाभ मिलेगा ये रसना है ना रस रसना जीव है ना यही बहुत सारा मटेरियल बनाती है ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है कितना काम करती है बोलती भी है इधर उधर डोलती भी है अगर कहीं दांतों में कहीं कुछ लग जाए तो उसको निकालती भी है और रस बनाती है रस पाचक रस बनाती है स्लाइवा है जो लार है वो हमारे भोजन को करता है, पचाता है और जिनके रस नहीं बनता है वो 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 आते भी खराब हो जाती हैं और मुंह भी खराब हो जाता है ये लार जिनको नहीं बनती पहले तो लोग इतना मसाला पान पुड़िया इतना खा खा करके सब थूक देते हैं अब जब लार सूख गई कितना वो खर्च करते हैं और लार सूख गई तो फिर भोजन नहीं पचेगा भोजन नहीं पचेगा तो बिल्कुल जो है आ, कमजोर हो जाएंगे सिकुड़ करके छुहारा बन जाएंगे तो फिर कैसे उनका जीवन चलेगा फिर राम नाम सत्य तो एक रस एक रत्न है ये बहुत बड़ा रत्न है रस फिर रस तो बन रहा है लेकिन रक्त नहीं बन रहा है अब कितना भी ऊपर से कितना आप चढ़ाएंगे रक्त कोई ऐसा थोड़े कि उसको रक्त की थैली लेकर के चलने लगेंगे कि रक्त चढ़ रहा है ऐसा कोई करेगा क्या कितना वैज्ञानिक शरीर है हम कितना भी विचार करें हमारा विचार नगण्य है लेकिन हम कभी कल्पना नहीं करते तो ये जो रुधिर है मांस है कितना जो है लोग मांस बढ़ाना चाहते नहीं बढ़ता किसी किसी का बोरियों जो है बादाम रगड़ मारे बादाम पिस्ता खजूर हैं केले दूध सब रगड़ मारे लेकिन शरीर बढ़ा ही नहीं जो है मांस आया ही नहीं तो ये भी एक विभूति है एक प्रकार का ये रत्न है जो मानसल व्यक्ति दिखाई पड़ता है बढ़िया पड़ गोल मटोल सा अच्छा सुंदर सा सब बनना चाहते हैं लेकिन सब बन नहीं पाते हैं ये भी एक विशेष प्रकार का रत्न उनको मिला होता है और किसी को नहीं मिला होता है तो भी उनको निराश नहीं होना चाहिए ऐसा मन में ना आए कि स्वामी जी तो क्या कह रहे हैं ये ये मैं केवल एहसास करा रहा हूँ जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है वही बहुत हमारे लिए है तो इन सात धातुओं का क्रमशः निर्माण करता है ये सात धातुएं ही हमारे लिए रत्न हैं इनकी उपयोगिता एवं महत्व शरीर शास्त्र में प्रसिद्ध है इसके कारण सारा शरीर रमणीय होता है शरीर में यदि जल तत्व की कमी हो जाए तो फिर बहुत सारे रोग हो जाते हैं खुजली हो जाती है जलन होने लगती है एक तत्व की कमी से तो ये तत्व कम ना हो इसके लिए वह परमात्मा हमको सदा प्रेरणा करता है अतः यही रत्न हमारे लिए प्रभु ने प्रत्येक शरीर रूप घर में सात रत्नों की स्थापना की है दमे दमे सप्त रत्ना दधाना ये भी एक ऋग्वेद का वचन है कि इस रत्न प्रभु की हम स्तुति करते हैं जो हमको धारण कर रहा है हमारा पालन और पोषण कर रहा है तो ये विशेष बात हुई आ, मैं उस अग्नि पुरोहित यज्ञ के देव अर्थात ऋतुज होता रत्नधाता प्रभु की स्तुति करता हूँ वही हमारा भाग्य विधाता है वही पुरोहित है वही देव है वही होता है रत्नधाता है ऐसे विधाता ऐसे दाता की मैं स्तुति करता हूँ प्रार्थना करता हूँ उसकी उपासना करता हूँ और सदा करता रहूँ ऐसी भावना हम सब के अंदर होनी चाहिए ओ शांति शांति शांति